सरकार के नए नियम के मुताबिक अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और आगे आप कई तरीके की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आप किस तरीके से चेक करेंगे कि आपका आधार जो है पैन से लिंक है कि नहीं, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में एक ब्राउज़र ओपन करना है और इसमें इनकम टैक्स आपको लिख करके सर्च कर लेना है। इनकम टैक्स लिख के सर्च करेंगे तो आप इस पोर्टल पे आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली इस पे कर लेना है क्लिक। आप एक आ जाते हैं एक नए पेज पे और यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो आधार कार्ड है आपके पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं। अगर लिंक है तो अच्छी बात है और अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करवाना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लिंक देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पहला लिंक देखने को मिल जाता है लिंक आधार स्टेटस, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे और लिंक आधार यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं। इसके लिए लिंक आधार स्टेटस पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम चेक कर पाएंगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वह हमारे पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं। अगर लिंक नहीं होता है तो आपके लिए आगे समस्या खड़ा हो सकता है क्योंकि सरकार के नए रूल के मुताबिक यह लिंक होना बहुत ज़रूरी है और यह पहले निःशुल्क होता था लेकिन अभी इसके लिए सरकार ने काफ़ी अच्छा खासा चार्ज लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल देना है और यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देना है। चलिए पैन कार्ड और आधार नंबर डाल के व्यू लिंक आधार स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है और यहाँ देख सकते हैं लिखा योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, यानी ये जो पैन कार्ड है वही इस आधार नंबर से लिंक है। अगर आपका लिंक होगा तो इस तरीके से मैसेज मिल जाएगा और नहीं तो आपको वापस उस पेज पे आके दोबारा से उसको लिंक करने का प्रोसेस शुरू करना होगा। तो लिंक करने के लिए आपको वापस से उसी पेज पे आ जाना है और वहाँ पे आप देखेंगे कि जो लिंक आधार का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है लिंक आधार, तो यहाँ से आप अपना आधार कार्ड जो है पैन कार्ड से लिंक कर पाएंगे। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपको फिर एक इस तरीके से नए पेज पे आते हैं। यहाँ पे आपको पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद आप आगे की प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं और इसका चार्ज भी आपको लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो। तो चैनल को करें लाइक।